गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ इस समय पश्चिम बंगाल के कोलकाता रेलवे स्टेशन पे, जिसको चितपुर के नाम से भी जाना जाता है। और ये काफी खूबसूरत मौसम है आज चितपुर का, पश्चिम बंगाल का काफी खूबसूरत मौसम है आप देखिए आज। और यहाँ से निकलने वाली है मैत्री एक्सप्रेस BR, यानी कि बांग्लादेश रेलवे का, क्योंकि मैत्री एक्सप्रेस IR भी चलती है इंडियन रेलवे का। तो इंडियन रेलवे का 2 दिन चलता है, बांग्लादेश रेलवे का 3 दिन चलता है। अभी 7:10 पे निकलेगा, तो हम यहाँ से बस डिपार्चर दिखाएंगे, क्योंकि पूरा फेंसिंग से कवर है वो ट्रेन, वहाँ जाने का परमिशन नहीं है भाई। तो इस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दिखाएंगे आपको डिपार्चर के टाइम। वीजा और टिकट वगैरह चेक किया जाता है यहाँ पे, और वैसे लाइन लगा के एंट्री लिया जाता है इधर। ये है दोस्तों बांग्लादेश एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, जो बांग्लादेश का ढाका पे जाएगा। देखिए ये है A3 कोच, और पूरा फेंसिंग किया गया है दोस्तों इसका, ताकि कोई भी अननोन पैसेंजर इसमें ना घुस सके। देखिए अंकल जी कौओं को दाना डाल रहे हैं, बिस्किट है एज अ दाना के तौर पे। देखिए दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस को पुल करता है WDM-3D, हावड़ा सेट का है ये, डीजल इंजन है, क्योंकि बांग्लादेश में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुए इसलिए। दोस्तों मौसम देखिए कोलकाता का, ये सुबह के 7 का सीन है, ऐसा लग रहा है कि शाम होने वाला है, एकदम अंधेरा होने वाला है, और पूरी तरह से बादल ने घेर लिया है। काफी तेज हवाएं चल रही है, थोड़ी देर में हो सकता है बारिश भी हो जाए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं, इसका टाइम तो हो गया है निकलने का। तो ये निकल रही है दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस ढाका के लिए। इंटरनेशनल ट्रेन, देखिए ये ज्यादा लंबे कोच की तो है नहीं, लगभग 10 का है ये। और ये जब चलती है दोस्तों बांग्लादेश रेलवे का, तो 2 पे रुकती है, जो कि बांग्लादेश में ही रहता है। और जब अपने इंडियन रेलवे की चलती है IR की, तो कहीं भी नहीं रुकता। 408 किलोमीटर की जर्नी कवर करता है ये मैत्री एक्सप्रेस फ्रॉम कोलकाता टू ढाका। इंटरसिटी लिखा हुआ है लास्ट कोच पे। बाय बाय मैत्री।